कुछ हफ्तों पहले DJI ने एक्शन वन कैमरा का अपग्रेड लॉन्च किया था एक कम्प्लीटली न्यू अवतार में, पर इस कैमरा में काफ़ी प्रॉब्लम्स है और कुछ तो ऐसी है जिसकी वजह से मैंने DJI एक्शन 2 खरीदने का प्लान ड्रॉप कर दिया। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं सुकेत और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी चैनल पर। इसके पहले कि हम आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सबने नोटिस किया होगा कि आज का वीडियो थोड़ा अलग है। जी हाँ, आज का वीडियो है हिंदी में और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आगे से वीडियोस हिंदी में बनाऊंगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाऊं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं एक्शन कैमरास का फ़ैन नहीं हूं, बट जब DJI ने एक्शन 1 लॉन्च किया था तो मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इसे अपने कई सारे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ किया है। पर फिर DJI ने 2 साल लगा दिए इसका नया वर्जन लॉन्च करने में। आई एम वेरी श्योर जब DJI ने एक्शन 2 का प्लान किया होगा तो उनको वो कैमरा का डिज़ाइन स्क्रैच से करना था और DJI ने ऐसा ही किया। DJI ने एक्शन 2 को बनाया है पहले से स्मॉलर, मॉड्यूलर और ज़्यादा पावरफुल। ऑन पेपर ये कैमरा बाकी सारे एक्शन कैमरा से काफ़ी अच्छा है। आपने इसके फीचर्स और फंक्शनैलिटी काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ में देख ही लिए होंगे, इसलिए मैं वो सारा रिपीट करके आपको बोर नहीं करूँगा। पर मैं आऊँगा सीधा मुद्दे पर, और मुद्दे की बात यह है कि एक्शन 2 का डिज़ाइन इंडस्ट्री फर्स्ट नहीं है। जैसे कि आप इसकी डिज़ाइन या मॉड्यूलर कंसेप्ट की बात करें तो वो सब सिमिलर है इंस्टा 360R कैमरा से। डिफरेंस है तो सिर्फ यही कि कैमरा यूनिट से मॉड्यूल्स अटैच कैसे होते हैं। चलो ये तो बात हो गई डिज़ाइन की जो सिमिलर हो सकती है, ठीक है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि जब ऑनलाइन इसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैंने ये कैमरा खरीदने का प्लान कैंसिल क्यों कर दिया? तो बात ऐसी है कि मैं जब भी कोई टेक प्रोडक्ट खरीदने वाला होता हूँ, मैं उससे पहले वो प्रोडक्ट की बाल की खाल निकाल देता हूँ। और जब मैंने एक्शन 2 की खाल निकाली तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसके बाद मैंने अपने कान पकड़ लिए कि नहीं भाई, ये कैमरा तो नहीं खरीदना है। और ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि कई 100 एक्शन 2 ओनर्स की जुबानी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से रीजंस थे जिसके कारण मैंने ये कैमरा लेने का प्लान कैंसिल कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 1, नो SD कार्ड सपोर्ट इन कैमरा एंड डेटा ट्रांसफर प्रॉब्लम्स। एक्शन कैमराज में स्टोरेज के लिए SD कार्ड यूज़ होता है, ये तो सबको पता है। और जब आपको आपका कंटेंट ट्रांसफ़र करना हो एडिटिंग के लिए तो SD कार्ड निकालो, PC में कनेक्ट करो और वीडियोस ट्रांसफ़र कर लो। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? पर DJI एक्शन 2 में ऐसा नहीं है। DJI एक्शन 2 के कैमरा यूनिट में कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं है। अगर आपको SD कार्ड यूज़ करना है तो आपको या तो पावर मॉड्यूल या तो ड्यूअल स्क्रीन मॉड्यूल में से कोई एक अटैच करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि DJI ने स्टोरेज के बारे में सोचा नहीं है। DJI ने इनबिल्ट 32 GB दे रखा है और उसमें से आपको अराउंड 22 GB यूज़ करने भी मिल जाता है। पर अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 4K में शूट कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि 4K की फाइल साइज कितनी हैवी होती है, तो ये 22 GB कुछ ही मिनटों में फुल हो जाएगा और फिर शुरू होता है डेटा ट्रांसफ़र का तमाशा। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप DJI मीमो ऐप से सारे वीडियोस अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लो, या फिर कोई भी एक मॉड्यूल कनेक्ट करके सारा कंटेंट SD कार्ड में कॉपी कर लो। पर ये दोनों भी मेथड्स बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं। इसके अलावा काफ़ी यूज़र्स ने एक और प्रॉब्लम के बारे में भी बताया है। इसमें ऐसा होता है कि जब आप इनबिल्ट स्टोरेज से SD कार्ड में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो ट्रांसफ़र तो कंप्लीट हो जाता है, पर आप जब SD कार्ड में चेक करते हो तो उसमें कुछ कॉपी नहीं हुआ होता और आपके इनबिल्ट स्टोरेज से भी सारा डेटा डिलीट हो चुका होता है। मतलब सारा डेटा ट्रांसफ़र होते वक्त गायब हो जाता है, आपकी सारी मेहनत पानी में। चलेगा आपको? प्रॉब्लम नंबर 2, नॉन रिमूवेबल बैटरी। ये पॉइंट शायद से थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, बट मेरे लिए ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। आप सभी को पता होगा कि एक्शन कैमरास की बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, बट एक्शन कैमरास की खासियत ये भी होती है कि उसकी बैटरी रिप्लेसेबल होती है, तो आप इजीली बैटरी रिप्लेस करके शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। पर एक्शन 2 में ऐसा नहीं है, एक्शन 2 की बैटरी रिप्लेसेबल नहीं है। यानी अगर आपकी बैटरी शूट करते वक्त डेड हो जाए तो आपको कोई भी एक मॉड्यूल कनेक्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पावर के लिए,
या फिर इवन इसको चार्ज करने के लिए। यस, एक्शन 2 बिना मॉड्यूल के चार्ज भी नहीं होता। अब इस पे काफी लोग ये भी बोलेंगे कि अगर कैमरा में स्लॉट्स दे देंगे तो ये वाटरप्रूफ कैसे रहेगा, तो भाई इस पे भी बात करेंगे हम थोड़ी ही देर में। इसी बात पे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपके लिए प्रोडक्ट्स के अंदर की बातें लाता हूँ, और आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इसी तरह के वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ओवरहीटिंग इश्यू विद जियो रेस्ट्रिक्शंस। अब ये वाला मैंने एंटिसिपेट किया था, ठीक है, कैमरा की साइज देखकर, बट जो बातें मेरे सामने आई हैं उसके बाद से तो मेरा मन ही उतर गया इस कैमरा से। ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है बहुत ही जल्दी, और इतना ओवरहीट होता है कि ये शटडाउन हो जाता है। और जो यूजर्स को रिकॉर्डिंग टाइम मिला है कैमरा शटडाउन होने से पहले, वो काफ़ी बकवास है। जब यूजर्स ने सिर्फ कैमरा यूनिट से 4K 120 FPS शूट किया तो उनको सिर्फ 3.5 मिनट का रिकॉर्डिंग टाइम मिला कैमरा शटडाउन होने से पहले, और जब उन्होंने मॉड्यूल लगा के शूट किया तो उनको सिर्फ 3 मिनट का रिकॉर्डिंग टाइम मिला है। ये तो बात हो गई 120 FPS की। जब यूजर्स ने 4K 30 FPS शूट किया तो उनको 5.5 मिनट का टाइम मिला है, रिकॉर्डिंग टाइम मिला है कैमरा शटडाउन होने से पहले का। एक बात यहाँ पे नोट करें कि ये जो भी यूजर्स हैं ये सारे यूरोप, यूएसए और कनाडा जैसे देशों से हैं, जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर इंडिया से काफ़ी कम होता है। और एक बात ये भी है कि इनमें से कई यूज़र्स को रिकॉर्डिंग टाइम बहुत अलग अलग मिला है। जैसे कुछ यूज़र्स को 4K 30 FPS पे 9-9.5 मिनट तक का भी रिकॉर्डिंग टाइम मिला है, डिपेंडिंग ऑन देयर फिल्मिंग कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। पर बॉटम लाइन ये है कि ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है बहुत ही जल्दी, और जब ये गर्म होता है तो इसे कूल डाउन होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अब ये सिनेरियो सोचिए, आप इंडिया की धूप और गर्मी में ये कैमरा यूज़ कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कितनी देर तक आप शूट कर पाओगे ये कैमरा शटडाउन होने से पहले? DJI ने इसके लिए भी एक ऑप्शन दे रखा है टेम्परेचर थ्रेशोल्ड करके। इसमें क्या होता है कि जब आपका कैमरा ओवरहीट हो जाता है और उसके टेम्परेचर लिमिट पे पहुंच जाता है, तो ये ऑप्शन कैमरा को थोड़ी देर और रिकॉर्ड करने को अलाउ करता है शटडाउन होने से पहले। बट कुछ कारण अनुसार ये ऑप्शन अब तक ग्रेड आउट है, यानी कि आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। मे बी पॉसिबल है कि DJI फ्यूचर में कोई अपडेट में ये ऑप्शन ओपन कर दे, पर तब तक क्या? प्रॉब्लम नंबर 4, मॉड्यूल्स। और ये पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा खटकता है। तो मॉड्यूल्स के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊं तो ये कैमरा यूनिट में अलग अलग अटैचमेंट्स कर सकते हैं, जिसे ये लोग मॉड्यूल्स कहते हैं। अब फिलहाल के लिए आप या तो पावर मॉड्यूल खरीद सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिल जाती है, या आप ड्यूअल स्क्रीन मॉड्यूल खरीदते हैं जिसमें बैटरी के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा स्क्रीन भी मिल जाती है। और आपको कोई ना कोई मॉड्यूल तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल के बिना आप ये कैमरा यूनिट के साथ कुछ नहीं कर सकते, ना इसे आप चार्ज कर सकते हैं और ना ही इसमें SD कार्ड डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं वाटरप्रूफिंग की, जो हमने पहले अधूरी छोड़ी थी। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये कैमरा यूनिट को अगर स्लॉट्स दे देते तो ये वाटरप्रूफ नहीं होता, तो ये बात सही है, ये कैमरा वाटरप्रूफ है, पर सिर्फ कैमरा यूनिट। जैसे ही आप इसमें कोई मॉड्यूल अटैच करते हो ना, तो ये वाटरप्रूफिंग छूमंतर हो जाता है। फिर आपको इसको अगर वाटरप्रूफ बनाना है मॉड्यूल के साथ यूज़ करने के लिए, तो फिर वाटरप्रूफ केस अलग से लो, जो आपके कैमरा को और महंगा बना देगा और आपका सेटअप थोड़ा और बल्की हो जाएगा। तो भाई आप जो बोल रहे थे स्मॉलर मॉड्यूलर, वो कहाँ गया? अगर मैं मॉड्यूल लगाता हूँ ऊपर एक वाटरप्रूफिंग केस लगाता हूँ, तो वो छोटा कहाँ से रह गया सेटअप मेरा? सही बात है ना? और चलो मैं नहीं वाटर स्पोर्ट्स करता, मैं अंडर वाटर नहीं ले जाऊँगा कैमरा, मुझे सिर्फ वो कैमरा दे दो, उसमें चार्जिंग स्लॉट दे दो, एक SD कार्ड स्लॉट दे दो, मैं बहुत खुश हूँ, नई मॉड्यूल्स चाहिए, क्यों ज़बरदस्ती मैं मॉड्यूल्स खरीदूं? और ये सिर्फ कैमरा यूनिट अगर बना देता DJI विथ अ चार्जिंग स्लॉट और SD कार्ड स्लॉट, तो ये बहुत अच्छा कैमरा है,
इसकी वीडियो क्वालिटी और फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। ये कैमरा ट्रैवल और लाइफस्टाइल व्लॉगर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसमें आप 4K शूट कर सकते हैं, 120 FPS तक शूट कर सकते हैं। आपके बल्कि कैमरास और ये सब सेटअप लेके जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये छोटा सा कैमरा एक सेल्फी स्टिक पे लगा दो और आप परफेक्ट, यू आर गुड टू गो। पर अभी ये मॉड्यूल्स की झंझट है इसमें, जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है। तो इसके लिए मैंने ये कैमरा लेने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो ये वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब मैंने DJI Action 1 यूज़ किया था तो मैं उससे फुल ऑन इम्प्रेस हो गया था, और जब मैंने Action 2 के रूमर्स सुने थे तो मैं उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि Action 2 एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, और ये जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई है ये सारे मेरे पर्सपेक्टिव है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कैमरा में क्या चीज़ें हैं जो और अच्छी हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया होता तो एक फिल्म मेकर या एक व्लॉगर के वर्कफ्लो को और भी सिंप्लीफाई करा जा सकता था। जैसे कि अगर रिमूवेबल बैटरी दे दी गई होती, या ओवरहीटिंग का जो इश्यू है उस पर थोड़ा वर्क किया होता, या इसमें एक चार्जिंग प्लग और SD कार्ड स्लॉट दे दिया होता, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती एक फिल्म मेकर या व्लॉगर के लिए। तो ये थे मेरे सारे रीजंस जिसकी वजह से मैंने DJI Action 2 खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये जो भी मैंने रीजंस दिए हैं वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी मायने रखते हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ मी सुकेत साइनिंग ऑफ।